वेलकम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वर्चुअल डीजे के एक ऐसे फीचर्स के बारे में जिसको जानकर आपको बहुत ही खुशी होगी, क्योंकि इस फीचर्स के द्वारा हम किसी भी गाने की बीट को मैच कर सकते हैं, टेम्पो को मैच कर सकते हैं, और तो और गाने के बीपीएम और स्पीड सभी चीज़ों को हम इससे मैच कर सकते हैं। किसी भी गाने की बीपीएम को मैच करने के बाद उसकी बीट आपस में मिल जाती है, जिससे कि गाने की मिक्सिंग के समय किसी भी प्रकार का पता नहीं चल पाता है। गाने की बीपीएम को हम देख सकते हैं यहाँ पर, ये इस टेक के यहाँ पर इस गाने की बीपीएम को बताएगा, यहाँ पर ये इस गाने की टेम्पो को बताएगा। जैसा कि हमने देख रहे हैं, इस गाने की टेम्पो 112 है और इस गाने की टेम्पो 198 है। इन दोनों गानों की टेम्पो को मैच करने के लिए जिस चीज़ का उपयोग किया जाता है उसे हम कहते हैं सिंक। ये इस गाने की टेम्पो को यदि इस गाने की टेम्पो से मैच करना हो तो यहाँ पर सिंक का ऑप्शन है, ये ऑटोमेटिक इस गाने की बीट को मैच कर लेगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, लाइनिंग के इफेक्ट अनुसार आप यहाँ पर पता कर सकते हो इसने काफ़ी हद तक इस गाने की बीपीएम को मैच कर दिया है। और बाकी आप ऐसे मैच कर सकते हो, बहुत ही अच्छा फीचर है। इससे आप किसी भी गाने को यदि चेंज करते हो तो उस गाने की बीपीएम लेवली होने के बाद उस गाने की रीमिक्सिंग में किसी भी प्रकार का पता नहीं चलता है, जैसे कि आप देख सकते हो। इस प्रकार से कभी भी किसी भी गाने की रीमिक्सिंग करना हो तो हम सिंक का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा भी हम यहाँ से इस चीज़ को यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं, बट ये बहुत ही पॉइंटों में चलता है, इसलिए आपसे इसे कंट्रोल में करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। और इसे कंट्रोल में करने के लिए आप शिफ्ट प्लस स्पेस का बटन दबा सकते हो, जिससे भी ये कंट्रोल हो जाएगा। इसकी हर एक की शॉर्टकटें अलग अलग होती है, अगर आप जानना चाहते हो सभी की शॉर्टकटें तो मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगा पर्सनली, जिससे आप इसकी हर एक शॉर्टकट को जान सकोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।